रानी जिसके हाथों में चाकू है, इस बहू रानी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। चाहे कितने ही राजवीर क्यों ना आ जाए, ये बहू रानी अपने पति का साथ छोड़ किसी और की हो ही नहीं सकती है। ये बात शायद राजवीर नहीं जानता, क्योंकि अगर उसे पता होता कि तेजस्विनी प्रेम के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती, तो वो ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करता। मैं और राजवीर जा रहे हैं एक मीटिंग के लिए, राजवीर की गाड़ी पंचर हो जाती है, उनको मैंने अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी कि भाई से कर्टिसी के नाते चलो तो मेरी गाड़ी में चल पड़ो, हम मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे वरना। सामने गुंडे आ गए, हमला कर दिया, मेरे ड्राइवर को मार दिया, यार बताओ। हाँ भाई, ये हमला तो सोच समझ कर किया गया था, क्योंकि यहाँ पर पिस्तौल से लेके चाकू तक इस सब का बंदोबस्त किया हुआ है। जैसे ही गुंडों ने तेजस्वी पर हमला किया, उसने लाठी उठा ली। खुद को बचाने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की। वेल आई डोंट नो, मैं तो बेहोश हो गई थी, बट राजवीर ने बहुत ही बहादुरी से तेजस्विनी को बचाया, उसके मंगलसूत्र को बचाया, यार मेरे प्रेम को बचाया है। वैसे आपको बता दें कि ये पूरी साजिश राजवीर ने ही की है। वही फिल्मी स्टाइल, हीरोइन के सामने गुंडे भेजो और फिर उसको बचाने के लिए पहुंचो, ऐसा ही कुछ राजवीर ने किया। लेकिन राजवीर नहीं जानता है कि ये अपनी बहू रानी बड़ी सयानी है। उसे ये बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये एक सरफिरा आशिक है और ये तेजस्विनी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।